Hello, 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 hello everybody. A very, very good morning. कैसे हो बच्चों? A very, very, very good morning everybody. Good morning, good morning. आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है. A very good morning everybody and welcome to the class. And may this festival of light brings in a lot of good luck, happiness and success for you all. I wish you all a very happy Diwali and I just wish that aap logon ke liye ye saal bahut hi super successful rahe. The coming year turns out to be super successful and I hope you all clear your exams with flying colors and I hope that your life be filled with lot of joy, happiness and good luck. All right, I welcome you all in the today's session. Good morning, good morning, good morning. आ जाइए, हैप्पी दिवाली बेटा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाइए. राधे राधे एवरीबडी, गुड मॉर्निंग, आ जाओ बच्चों. तो क्या करने वाले हैं मैडम जी आज की क्लास में? बेटा जी, तो आपका एक चैप्टर है जो ऑडिट और लॉ में कॉमन चैप्टर है. ऑडिट में हम इस चैप्टर को कहते हैं आपका कंपनी ऑडिट का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10. लाइकवाइज ये चैप्टर सेम टू सेम लॉ में है, दैट इज चैप्टर 10, ऑडिट एंड ऑडिटर्स. तो लॉ में ऑडिट एंड ऑडिटर्स के नाम से है और ऑडिट में कंपनी ऑडिट के नाम से है. कंटेंट बिल्कुल 100% सेम है. तो आज जो भी बच्चे मुझे इस लेक्चर में मिलेंगे, डिस्कशन हम चैप्टर नंबर 10 पे करने वाले हैं और इस डिस्कशन में आपके दो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एक लॉ का और एक ऑडिट का, राइट? तो आई होप कि आप लोग मज़ेदार तरीके से बिल्कुल पढ़ाई करेंगे. ध्यान आपका एकदम स्क्रीन पे रहेगा, कॉन्सेप्ट्स पे रहेगा. आ जाओ. यस यस, कारो आज नहीं करने वाले हैं, कारो आज नहीं करेंगे, कारो हम सेपरेटली लेंगे. कारो के अलावा इस चैप्टर को हम करेंगे. आ जाओ बच्चों, गुड मॉर्निंग, आ जाइए. चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास की जाए शुरुआत. चले, रेडी हैं आप लोग? आई होप कि आप सब रेडी हैं. तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को फटाफट तरीके से रिवाइज करते हैं. सारे बच्चे, मैम कल लॉ का रिवीजन क्यों नहीं हुआ था? कल मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था बाय द एंड ऑफ द डे, इसलिए मैं लॉ का रिवीजन नहीं ले पाई. बट आ जाओ. ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. तो सबसे पहले, ये चैप्टर का नाम ऑडिट में कंपनी ऑडिट से है और लॉ में मैंने बताया ऑडिट एंड ऑडिटर से है. सबसे पहले मैडम हम कौन से सेक्शन को करने वाले हैं? बेटा जी, सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन 141, जो कि किसके बारे में बात करता है? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर. एक मिनट, थोड़ा सा लैग आएगा, एक मिनट के लिए लैग आएगा, प्लीज एक मिनट रुकिएगा. वी आर बैक. ओके, आई होप दैट इट्स वर्किंग प्रॉपरली. यस, चलिए स्टार्ट करें कंपनी ऑडिट को. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा जी सेक्शन 141 की. सेक्शन 141 किसके बारे में बात करता है? कौन आदमी एलिजिबल है ऑडिट करने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कौन आदमी डिसक्वालिफाइड है. चलो चलिए, तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड 2 क्या कहता है? एक इंडिविजुअल जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो क्या कर सकता है? ऑडिट को कर सकता है. कौन इंडिविजुअल एलिजिबल है? एक मिनट मैम, स्क्रीन ब्लर है, और किसी का भी स्क्रीन ब्लर है क्या? प्लीज मुझे बताएंगे. आई डोंट थिंक सो बेटा जी, मेरा स्क्रीन तो ब्लर मुझे नहीं लग रहा है. इट्स फाइन. थोड़ा सा क्वालिटी अगर आप ठीक करेंगे, एक्चुअली ये इंटरनेट की वजह से होता है कई बार. तो जितने भी बच्चे हैं प्लीज थोड़ा सा इंटरनेट का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर हो जाएगा ठीक. माइन इज 1080p बेटा जी, माइन इज 1080p. किसी और को भी प्रॉब्लम लग रही क्या? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में पहले बता दो क्वालिटी को लेकर,
मेरे हिसाब से तो मेरा ठीक लग रहा है, मुझे मेरे फोन पे मुझे ठीक दिख रहा है, बट आई डोंट नो, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर भी परफेक्ट है, सब बढ़िया है, चलो ठीक है। तो जिसके एंड से प्रॉब्लम है, आप थोड़ा अपना रेजोल्यूशन का ठीक करें सेटिंग्स में, तो हो जाएगा। चलो आ जाओ, गुड टू गो। सबसे पहले चलो बच्चों, आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाओ। सेक्शन 141 क्या कहता है, कौन आदमी एलिजिबल है? देखो, एक इंडिविजुअल ऑडिट कब कर सकता है? जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो वो क्या कर सकता है, तब ऑडिट कर सकता है। क्या एक फर्म ऑडिट कर सकती है? क्या फर्म, सीए फर्म ऑडिट कर सकती है? हाँ, प्रोवाइडेड मेजोरिटी पार्टनर्स क्या होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। मेजोरिटी पार्टनर क्या होने चाहिए, सीए होने चाहिए। क्या एक एलएलपी ऑडिट कर सकता है? क्या, बिल्कुल एलएलपी भी ऑडिट कर सकता है, बट ओनली एंड ओनली पार्टनर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वही ऑडिट कर पाएंगे और वही ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर पाएंगे। फर्म ऑडिट कर सकता है, हाँ। मेजोरिटी पार्टनर्स क्या होने चाहिए, सीए। क्या एलएलपी ऑडिट कर सकता है? हाँ, एलएलपी भी ऑडिट कर सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है एलएलपी में, जो जो पार्टनर सीए हैं ओनली वही ऑडिट करेंगे और वही ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। कौन आदमी एलिजिबल नहीं है ऑडिट करने के लिए? देखो, आपने अभी एलिजिबिलिटी पढ़ी, 141 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में आपने एलिजिबिलिटी पढ़ ली कि एक इंडिविजुअल आदमी ऑडिट कर सकता है अगर वो सीए हो जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। फर्म एंड एलएलपी भी ऑडिट कर सकती है, प्रोवाइडेड सिर्फ उनके जो पार्टनर सीए हैं वही ऑडिट कर सकते हैं। 141 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकता अदर देन एलएलपी। एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बट एलएलपी तो ऑडिट कर सकती है, अभी अभी हमने देखा, तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। अगर आप एक कंपनी के ऑफिसर हो, मतलब उस कंपनी के अगर आप ऑफिसर या इंप्लॉई हो, तो आप उसी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आप वहां के पार्टनर हो, मान लो आप उस कंपनी में पार्टनर हो, तो आप उस कंपनी की ऑडिट कर सकते हो क्या? नहीं। अगर आप इंप्लॉई हो, उस कंपनी के ऑफिसर या इंप्लॉई के, मतलब उस कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, उस कंपनी के जो इंप्लॉई है उसके अंडर अगर आप इंप्लॉयमेंट में हो, तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, और कौन? आप या आपका रिलेटिव या आपका पार्टनर। आप या आपका रिलेटिव या आपका पार्टनर उस कंपनी में या उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी में या उसकी सब्सिडरी कंपनी में या उसकी एसोसिएट कंपनी में या होल्डिंग की किसी दूसरी सब्सिडरी में भी आप कोई भी तरीके के सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकते। रिलेटिव्स को छूट दे रखी है कि रिलेटिव्स आप फेस वैल्यू 1 लाख तक के सिक्योरिटीज को खरीद सकते हो। ना ही आप या आपके रिलेटिव या पार्टनर इंडेटेड होने चाहिए, मतलब 5 लाख से ज्यादा रुपया आपका देना बाकी नहीं होना चाहिए उस कंपनी को। आप उस कंपनी या उस कंपनी की होल्डिंग या उसकी सब्सिडरी या एसोसिएट या होल्डिंग के किसी दूसरी सब्सिडरी में आपका इंडेटनेस नहीं होना चाहिए 5 लाख से ऊपर तक का। आपने कोई गारंटी नहीं दी होनी चाहिए किसी थर्ड पर्सन को लेकर इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे अगर आप सैंडविच देखेंगे तो 151 का सैंडविच आ गया, मतलब आप 151 का सैंडविच आया, मतलब सैंडविच बन गया 151। मतलब मैडम, मतलब आप सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकते, रिलेटिव्स 1 लाख की कर सकते हैं। आप इंडेटेड नहीं होने चाहिए इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज, एंड आपने कोई गारंटी नहीं दी होनी चाहिए इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज, ना तो उस कंपनी में, ना उसकी होल्डिंग में, ना उसकी सब्सिडरी में, ना उसकी एसोसिएट में, ना ही होल्डिंग की कोई दूसरी सब्सिडरी में, ना आपने, ना आपके पार्टनर ने, ना आपके रिलेटिव ने। वेरी वेरी गुड, 151। ओके, नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे है, मान लो कॉमेंट सेक्शन में जवाब देना, मान लो रिलेटिव ने 1 लाख से ऊपर के फेस वैल्यू के सिक्योरिटीज को खरीद लिया, तो करेक्टिव एक्शन कितने दिन में लेने पड़ते हैं मुझे बताओगे? मान लो आपके रिलेटिव्स ने 1 लाख से ऊपर के फेस वैल्यू के सिक्योरिटीज को खरीद लिया, तो उन्हें कितने टाइम में करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे? करेक्टिव एक्शन कितने दिन में लेने पड़ते हैं? 60 डेज में। आपको 1 लाख से जितना भी ऊपर का आपने शेयर्स खरीद लिया उसे बेचना पड़ेगा 60 डेज के अंदर अंदर। वेरी गुड बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आपका किसी भी तरीके का बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ना ही उस कंपनी, ना ही सब्सिडरी, ना होल्डिंग, ना एसोसिएट, या ना होल्डिंग या एसोसिएट की किसी दूसरी सब्सिडरी के साथ,
ना ही उस कंपनी के साथ, ना ही उसकी होल्डिंग, ना ही सब्सिडरी, ना ही एसोसिएट होल्डिंग की किसी दूसरी सब्सिडरी के साथ भी आपका किसी भी तरीके का बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? बिजनेस रिलेशनशिप. बिजनेस रिलेशनशिप में कौन सी चीजें नहीं आती? अगर आप कोई सामान नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में खरीद रहे हो तो उसे बिजनेस रिलेशनशिप नहीं कहते. अगर ऑडिटर कोई अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे बिजनेस रिलेशनशिप नहीं कहते. ठीक है, ओके. अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब आपके रिलेटिव, मतलब आपके माता पिता, भाई बहन, वहां उस कंपनी के डायरेक्टर या उस कंपनी में एज अ केएमपी काम नहीं कर रहे होने चाहिए. मतलब आपके रिलेटिव्स या आपके रिलेटिव्स उस कंपनी में ना तो एज अ डायरेक्टर ना एज अ केएमपी काम कर रहे होने चाहिए. आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं पे नहीं होने चाहिए. अगर आप ऑलरेडी कहीं पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप फिर ऑडिट नहीं कर सकते. एक आदमी एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 20 कंपनीज की ऑडिट कर सकता है. 20 कंपनीज में कौन से कंपनीज नहीं आते? वन पर्सन, डोरमैट, स्मॉल, और वो प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम का है. वो प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम का है वो 20 कंपनीज के काउंटिंग में नहीं आते. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड हो किसी फ्रॉड के ऑफेंस में तो आप 10 साल तक फिर किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते. और आप अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेक्शन 144 वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते. मतलब अगर आप एक कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो आप उस कंपनी में सेक्शन 144 वाली सर्विसेज नहीं दे सकते. कौन सी सर्विस होती है ये भी अभी देखेंगे. बोलता है अगर ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाए, मतलब आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो गए और लेट से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो अपॉइंट होने के बाद, मतलब आप वहां पे सेक्शन 144 वाली सर्विस प्रोवाइड करने लगते हो या आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा और ये वेकेशन कैजुअल वेकेंसी ट्रीट की जाती है. ठीक है, ओके, एवरीबॉडी समझा. सबसे पहले देख लो रिलेटिव्स की डेफिनेशन में कौन आते हैं. मैंने बोला ना, ना आप, ना आपका रिलेटिव, ना आपका पार्टनर कोई सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकते, इंडेटेड नहीं होने चाहिए, गारंटी नहीं दी होनी चाहिए. फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि आपके रिलेटिव उस कंपनी में एज अ डायरेक्टर या केएमपी नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. तो रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आता है? अगर ये आप हैं, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हैं तो आपके सारे मेंबर्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के आपके रिलेटिव्स हैं. अदरवाइज आपके फादर, आपके मदर, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, अगर आपका कोई बेटा है सन तो उसकी वाइफ, सन और सन की वाइफ, डॉटर है तो डॉटर और डॉटर का हस्बैंड, ये आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं. यहाँ पे सब में स्टेप इंक्लूड किया गया है, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, पर डॉटर में स्टेप यूज नहीं हुआ है तो स्टेप डॉटर रिलेटिव नहीं मानी जाती. ये एरर है लॉ का, आई होप ये जल्दी करेक्ट होगा. पता नहीं इतनी पार्शियलिटी क्यों, बट एनी विच वेज स्टेप लगाना भूल गए डॉटर में और बाकी में स्टेप्स हैं. चलो, ऑडिटर सेक्शन 144 वाली सर्विसेज नहीं दे सकता, ना तो डायरेक्टली दे सकता ना इनडायरेक्टली दे सकता, मतलब ना तो खुद दे सकता ना अपने पार्टनर से दिलवा सकता, ना ही अपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने रिलेटिव्स किसी से भी आप सेक्शन 144 वाली सर्विसेज नहीं दिलवा सकते. मैडम ये सेक्शन 144 वाली कौन सी सर्विसेज होती है? इधर आओ. सेक्शन 144 वाली सर्विसेज हो गई माफी. आप क्या बोलोगे? कोई आपको बोलेगा ना ऑडिटर सेक्शन 144 वाली सर्विसेज दे दे, तो आप बोलोगे माफ कर दो मैं नहीं दे सकता. तो एम मतलब आप मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकते. एम मतलब मैनेजमेंट सर्विसेज आप नहीं दे सकते. ए मतलब आप एक्चुरियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते. और ए मतलब आप अकाउंटिंग और बुककीपिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर सकते. एफ मतलब आप वहां के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को ना तो डिजाइन कर सकते ना इंप्लीमेंट कर सकते. उस कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को ना ही आप डिजाइन ना ही आप इंप्लीमेंट कर सकते. वेरी गुड. और एफ मतलब क्या है? आप वहां पे किसी भी तरीके की, उस कंपनी ने अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस को आउटसोर्स कर रखा है तो आप आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज भी नहीं प्रोवाइड कर पाओगे. मान लो उस कंपनी ने कोई फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्स किए तो आप उसे प्रोवाइड नहीं कर सकते. आप ना ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, आई फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड आई फॉर इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, आप ये सर्विस नहीं दे सकते. तो सेक्शन 144 वाली सर्विसेज क्या है? माफी.
आप क्या बोलोगे? माफी दे दो कंपनी, मैं आपको ये सर्विसेज नहीं दे सकता. एम फॉर मैनेजमेंट, ए फॉर अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग, ए फॉर एक्चुरियल, एफ फॉर आप वहां के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, आई मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, आई मतलब इंटरनल ऑडिट, ये सर्विसेज नहीं दे सकते. ठीक है, ओके, ऑल राइट. अब हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है? अगर एक ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर है, पहली पहली बार कंपनी बस इनकॉर्पोरेट हुई है, तो पहले साल जो ऑडिटर अपॉइंट होता है फर्स्ट ऑडिटर, और उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स किस तरीके से अपॉइंट होते हैं इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी, वो अभी हम पढ़ेंगे. आ जाओ सेक्शन 139. आ जाओ बेटा जी, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर. पहला पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा मैडम? पहला पहला फर्स्ट फर्स्ट ऑडिटर. देखो, फर्स्ट ऑडिटर इन द केस ऑफ अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी. बेटा अगर आपकी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, कौन सी कंपनी? नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड करेगी 30 डेज में, कंपनी के रजिस्टर होने के 30 दिन में. बोर्ड अगर नहीं करती तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे 90 डेज के अंदर एट एन ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में. कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे. जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा पहले साल फर्स्ट ऑडिटर, वो एक साल तक ऑफिस को होल्ड करेगा, पहले एजीएम तक, मतलब एक साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेगा. तो मुझे बताओ फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में बोर्ड करती है 30 डेज में, बोर्ड नहीं करती तो मेंबर्स करते हैं 90 डेज में एट एन ईजीएम. जो भी ऑडिटर अपॉइंट होता है वो एक साल तक कंपनी का ऑफिस होल्ड करता है. ठीक है, ऑल राइट. तो 30 और 90 क्या है लिमिट? 30 और 90 की लिमिट है 30 और 90. चलो ओके, आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है मैडम? गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी आते ही सी एंड एजी पिक्चर में आ जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पिक्चर में आ जाएगा. तो सी एंड एजी क्या करेगा? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा. देखो जैसे ही गवर्नमेंट कंपनी की बात आती है तो कौन आ जाता है? सी एंड एजी. तो सी एंड एजी 60 डेज में अपॉइंट करेगा. अगर सी एंड एजी अपॉइंट नहीं करता तो बोर्ड करेगी 30 डेज में, और अगर बोर्ड भी अपॉइंट नहीं कर पाती तो मेंबर्स करेंगे नेक्स्ट 60 डेज में. तो 60 30 60 का सैंडविच बन गया. कौन अपॉइंट करेगा? सी एंड एजी 60 डेज में. सी एंड एजी नहीं करते तो बोर्ड करेगी 30 डेज में, बोर्ड नहीं करती तो 60 डेज में कौन करेगा? मेंबर्स करेगा. एवरीबडी जो भी ऑफिस होल्ड करेगा वो फर्स्ट एजीएम तक ऑफिस को होल्ड करेगा. सबको समझ में आ गया? 60 30 60. सारे बच्चे समझ गए? यस, परफेक्ट, वेरी वेरी गुड. 60 30 60, वेरी गुड बेटा जी. आगे बढ़ते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ सबसीक्वेंट ऑडिटर इन द केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी. नॉन गवर्नमेंट कंपनी में सबसीक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा बेटा? देखो सबसीक्वेंट ऑडिटर, पहले ऑडिटर के बाद जितने भी ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सबसीक्वेंट ऑडिटर, करेक्ट. तो आप मेरे को बताओगे मैडम सबसीक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? एनुअल जनरल मीटिंग में सबसीक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं. कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स. एजीएम में कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, करेक्ट. तो सबसीक्वेंट ऑडिटर किसी भी नॉन गवर्नमेंट कंपनी का कहां अपॉइंट होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट करते हैं. सबसीक्वेंट ऑडिटर कितने पीरियड के लिए अपॉइंट होता है? 5 years के लिए. तो वो पहले एजीएम में अपॉइंट होगा, तो वो 5 सालों के लिए अपॉइंट होगा. तो ही विल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM. मतलब आप पहले एजीएम में अपॉइंट कर रहे हो, 5 सालों के लिए अपॉइंट कर रहे हो, तो वो 6th AGM तक ऑफिस को होल्ड करेगा, और देयर आफ्टर हर 6th मीटिंग में ही ऑडिटर अपॉइंट होगा. मतलब 5-5 सालों के लिए ही सबसीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है. तो हर 6th मीटिंग में आपका क्या होता है? ऑडिटर अपॉइंट होता है. एक साथ 5 सालों के लिए अपॉइंट हो गया, तो हर 6th मीटिंग में क्या होगा? सबसीक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा. ओके, जैसे ही आप सबसीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, आप ROC को 15 दिन में ADT 1 में बता देते हैं. बताओ सबसीक्वेंट ऑडिटर जैसे ही अपॉइंट होता है, अपॉइंट होने के 15 डेज में ADT 1 में आप ROC को बता देते हैं. याद रखना बेटा जी, ये कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे. 15 डेज है, 30 डेज नहीं है. बहुत सारे बच्चे 30 दिन सेलेक्ट कर लेते हैं. सबसीक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट होते ही जल्द से जल्द आपको ROC को बताना होता है. तो आप 15 दिन में ADT 1 में बताते हो, ठीक है. ओके, यहां पे देखो बोला है
ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले आप उसका कंसेंट भी लोगे, ए भाई तू अपॉइंट होना चाहता है ना, कंसेंट दे दे, और उससे एक सर्टिफिकेट भी लेते हो. किस चीज़ का सर्टिफिकेट लेते हो? कि वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, उसका अपॉइंटमेंट एक्ट के हिसाब से हो रहा है, लिमिट्स के हिसाब से हो रहा है, और उसके अगेंस्ट जो भी प्रोफेशनल मैटर्स को लेकर केसेस पेंडिंग है उसके अगेंस्ट या उसकी फर्म के अगेंस्ट जो इसने उस सर्टिफिकेट में डिस्क्लोज किया है, डिस्क्लोजर जो उसने इस सर्टिफिकेट में दिया है उन केसेस का जो उसके अगेंस्ट पेंडिंग है प्रोफेशनल मैटर्स को लेकर, वो डिस्क्लोजर्स बिल्कुल ट्रू एंड करेक्ट है. ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया? तो आओ मेरे साथ अब क्या करें, लिखित में रिवाइज करें जो भी आपने अभी अभी पढ़ा है. ठीक है, आपको बताइए, बिना लिखवाए मेरे को मजा नहीं आता. आओ, एडीटी फोर. अच्छा जसकरण बेटा, एडीटी फोर किसका है? फोर की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? एफ से. तो फ्रॉड की रिपोर्टिंग एडीटी फोर में होती है. आ जाओ. ओके, सबसे पहले बेटा जी आपने क्या पढ़ा, सारे बच्चे मेरे पे यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दें जो मैं लिखवा रही हूँ. सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 ने क्या कहा था, एक इंडिविजुअल अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर अगर वो सीए हो और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो. 141 सबसेक्शन 2 ने कहा था कि एक फर्म और एलएलपी भी ऑडिट कर सकती है, सिर्फ वही पार्टनर्स ऑडिट करेंगे, ओनली वो पार्टनर्स जो सीए हो वही ऑडिट करेंगे. 141 सबसेक्शन 3 ने बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया, बोला कि बॉडी कॉर्पोरेट बीसी अदर देन एलएलपी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकती. अगर आप उस कंपनी के ऑफिसर हो तो आप वहां की ऑडिट नहीं कर सकते, अगर आप वहां के पार्टनर हो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते. उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया कि आप खुद या आपके पार्टनर या आपके रिलेटिव्स उस कंपनी में या उसकी होल्डिंग में या उसकी सब्सिडरी में या उसकी एसोसिएट में या होल्डिंग की किसी दूसरी सब्सिडरी में भी आप ना तो कोई सिक्योरिटी होल्ड कर सकते पर रिलेटिव्स कर सकते हैं फेस वैल्यू 1 लाख की. आप इंडेटेड नहीं होने चाहिए इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज और आपने कोई गारंटी नहीं दी होनी चाहिए इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज इन रिलेशन टू एनी अदर पर्सन. फिर बोला है आपका किसी भी तरीके का बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, आपके रिलेटिव्स उस कंपनी के क्या नहीं होने चाहिए, आपके रिलेटिव्स उस कंपनी के ना तो डायरेक्टर ना केएमपी जैसे एम्प्लॉयड होने चाहिए, आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए. एक ऑडिटर एक साल में सिर्फ 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है. उसके बाद अगर आप कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड हो तो आप 10 साल तक किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते. और उसके बाद क्या बोला था, उसके बाद बेटा जी ये बोला गया था कि आप सेक्शन 144 वाली सर्विसेज नहीं दे सकते. कौन सी होती है? माफी. पर सेक्शन 144 वाली सर्विसेज किस किस को नहीं दे सकते? 144 में कितने लेटर्स हैं मुझे बताओ, सेक्शन 144 में कितने लेटर्स हैं बताओ, कमेंट सेक्शन में कितने लेटर हो गए, 144 कितने हो गए? ध्यान दो सारे बच्चे, इधर आओ. सेक्शन 144 में कितने लेटर्स हैं? 3 है क्या? 1 और 4 और 4 3 है ना. तो आप सेक्शन 144 वाली सर्विसेज ना ही उस कंपनी को दोगे, ना ही उसकी होल्डिंग को, ना ही सब्सिडरी को, और सबको दे सकते हो. मैम सेक्शन 144 वाली सर्विस किसको नहीं दे सकते? कितने लेटर है 144 में? 3 है. तो 3 कंपनीज को नहीं दे सकते, ना उस कंपनी को, ना उसकी होल्डिंग को, ना उसकी सब्सिडरी को. सिर्फ 3 पे अप्लाई करता है. ठीक है, सब्सिडरी होल्डिंग एंड कंपनी याद रखना. अगर कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना 144 में कितने लेटर्स है? 3. ठीक है, तो 3 कंपनीज को नहीं दे सकते, ना उस कंपनी को, ना उसकी होल्डिंग को, ना उसकी सब्सिडरी को. ठीक है, ऑल राइट, समझ में आ गया सारे बच्चों को बढ़िया तरीके से. ओके, तो ये था आपका सेक्शन 141, वेरी गुड. उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 139 जो कि अपॉइंटमेंट पे है. इधर आ जाओ, पहले इसको खत्म करेंगे. अपॉइंटमेंट बेटा, गवर्नमेंट कंपनी अगर है, गवर्नमेंट कंपनी है तो फिर कौन सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करता है? सीएनडीजी. कौन अपॉइंट करता है? सीएनडीजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. गवर्नमेंट कंपनी आते ही सीएनडीजी पिक्चर में आ जाएगा. तो सीएनडीजी अपॉइंट करेगा 180 डेज में फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर अंदर सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सीएनडीजी. और जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो 1 साल तक ऑफिस को होल्ड करेगा, 1 ईयर. तो ये सारी समरी इस पेज में है. इधर आओ, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे. चलो इसे पढ़ो. देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर.
पहला ऑडिटर की बात की जाए, तो अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात की जाए तो पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। कितने दिन में? 30 डेज में। अगर बोर्ड नहीं करती तो मेंबर्स करेंगे ईजीएम में 90 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट कंपनी है, 60-30-60 का सैंडविच है, पहले कौन अपॉइंट करेगा? सीएनडीजी 60 डेज में। सीएनडीजी नहीं करती तो बोर्ड 30 डेज में, बोर्ड नहीं करता तो मेंबर्स करेंगे इन द नेक्स्ट 60 डेज। सबसीक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के केस में साल स्टार्ट होने के 180 दिन में कौन करेगा? सीएनडीजी। साल स्टार्ट होने के 180 दिन के अंदर अंदर सबसीक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सीएनडीजी। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में एजीएम में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे 5 सालों के लिए, तो जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो 6th एजीएम तक ऑफिस को होल्ड करेगा, और देयर आफ्टर हर 6th मीटिंग में ही ऑडिटर अपॉइंट होगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया? सब बच्चों को समझ में आ गया क्या? बच्चों परफेक्ट हो गया? सबको स्क्रीन पे दिख रहा है सारा? एक साथ मैंने ये आपके चार्ट बना दिए रिवीजन के लिए, साइमल्टेनियस रिवीजन। वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड, ओके। ठीक है, चलिए। गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर 1 साल तक ऑफिस होल्ड करता है, 1 ईयर। देखो यहाँ पे अब हमने अभी पढ़ा भी था, साल स्टार्ट होने के 180 दिन में अपॉइंट होता है टिल दी कंक्लूजन ऑफ एजीएम, मतलब 1 साल के लिए अपॉइंट होता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के केस में 1 साल के लिए अपॉइंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी। मेरे को एक बात बताओ, जितने भी बच्चे क्लास में हैं जब भी वर्ड आपके सामने आए कैजुअल वैकेंसी, तुम्हारे दिमाग में लेटर क्या याद आना चाहिए? 3। क्या वर्ड याद आना चाहिए? 3। जब भी कैजुअल वैकेंसी जहां पे भी स्पॉट कर लो, तुम्हारे दिमाग में क्या याद आना चाहिए? 3। क्या आना चाहिए? 3। मुझे बोलो, कैजुअल वैकेंसी मतलब 3, कैजुअल वैकेंसी मतलब 3। वेरी गुड, आ जाओ इधर आ, चार्ट में पढ़ते हैं, इधर आओ। कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करता है? मतलब ऑडिटर की डेथ हो गई, या लेट से ऑडिटर छोड़कर चला गया, या ऑडिटर पागल हो गया, कुछ भी हो गया, कैजुअल वैकेंसी आ गई। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो किसी भी रीजन की वजह से कैजुअल वैकेंसी आई है, ऑडिटर छोड़कर चला गया या ऑडिटर की डेथ हो गई, किसी भी रीजन की वजह से अगर कैजुअल वैकेंसी आई है गवर्नमेंट कंपनी में, सबसे पहले सीएनडीजी अपॉइंट करेगा 30 डेज में। अगर सीएनडीजी अपॉइंट नहीं कर पाता 30 डेज में तो बोर्ड करेंगे नेक्स्ट 30 डेज में, ओके। अगर आपकी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन की वजह से आई है, कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन की वजह से आई है तो बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 डेज में, और बोर्ड को इस अपॉइंटमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, जो आपको 3 महीने में कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली बोर्ड नया ऑडिटर अपॉइंट करने के 30 डेज में, नया ऑडिटर अपॉइंट करने के 3 मंथ्स में आप एक जनरल मीटिंग कॉल करोगे और इसका अप्रूवल लोगे जनरल मीटिंग में मेंबर्स से, ओके। अगर अदर रीजंस की वजह से कैजुअल वैकेंसी आई है, मान लो डेथ की वजह से अगर कैजुअल वैकेंसी आई है, तो आप लोगों को जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड क्या करेगा, 30 डेज में अपॉइंट कर देगा ऑडिटर को। सिर्फ आपको अप्रूवल लेने की कब जरूरत पड़ती है? जब रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी आई है। सबको समझ में आ रहा है? आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब भी वर्ड कैजुअल वैकेंसी आएगा तुम्हारे दिमाग में कौन से वर्ड याद आना चाहिए? 3। तो देखो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, कौन ऑडिटर अपॉइंट करता है? सीएनडीजी। कितने दिन में? 30 डेज में। और अगर सीएनडीजी नहीं करता तो बोर्ड करेगा 30 डेज में, 3-3। वैसे ही नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी आई है, कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। कितने दिन में? फिर से 30 डेज में। और आपको जनरल मीटिंग भी कितने दिन में बुलानी पड़ेगी? 3 महीने के अंदर। सब 3-3-3 चल रहा है। अदर रीजंस की वजह से अगर कैजुअल वैकेंसी आई है तो बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 डेज में। सब कुछ 3-3-3 के उसमें ही चल रहा है। जनरल मीटिंग भी आपको 3 महीने में ही बुलानी पड़ेगी। सबको समझ में आ गया?
एवरीबडी बस रेजिग्नेशन में, इन द केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ रेजिग्नेशन में आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, अदरवाइज आपको अप्रूवल नहीं लेना जनरल मीटिंग में। समझ में आ गया? चलिए, थ्री मंथ्स कहां से बेटा माही? बेटा ये तो पता होना चाहिए यार, तुम लोग तो ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे तुम इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो। एग्जाम है आपके 20 दिनों में, 30 दिन में आप क्या करते हो? अपॉइंट कर लेते हो। अपॉइंटमेंट के 3 महीने में आप जनरल मीटिंग कंडक्ट करते हो बेटा। विद इन 3 मंथ्स जब आप अपॉइंट करोगे, उसी के 3 महीने में आप अप्रूवल लोगे ना। 30 डेज खत्म होने के बाद क्यों? 30 डेज में तो आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हो, बोर्ड 30 दिन में ऑडिटर को अपॉइंट करती है। जैसे ही अपॉइंट कर लेती है, उसके 3 महीने में आप जनरल मीटिंग कॉल करके अप्रूवल लेते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अच्छा, मान लो कैजुअल वैकेंसी क्यों आई? रेजिग्नेशन की वजह से आई। मतलब थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू बेटा जी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। बेटा कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन की वजह से आई, मतलब मैंने रिजाइन कर दिया, ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, तो मुझे बताओ अगर ऑडिटर रिजाइन करेगा तो क्या आ जाएगी? कैजुअल वैकेंसी। अगर ऑडिटर रिजाइन कर देता है तो क्या आ जाती है? कैजुअल वैकेंसी। तो मैंने क्या बोला था? कैजुअल वैकेंसी आते ही दिमाग में कौन सा वर्ड याद आना चाहिए? थ्री। तो कहता है अगर ऑडिटर रिजाइन कर दे तो ऑडिटर को, ऑडिटर अगर रिजाइन कर देगा तो क्या आ जाएगी? कैजुअल वैकेंसी। ऑडिटर को एडीटी 3, देखो यहां पे भी 3 है, ऑडिटर को एडीटी 3 फाइल करना पड़ता है। किसके पास? कंपनी के पास या कंपनी के आरओसी के पास, एंड अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएनडीजी के पास एडीटी 3 फाइल करना पड़ेगा 30 डेज में। देखो अगर मैं एज एन ऑडिटर किसी भी कंपनी से रिजाइन करती हूं तो मुझे एडीटी 3 फाइल करना पड़ता है 30 डेज में, रेजिग्नेशन के 30 डेज में। किसके पास आप एडीटी 3 फाइल करते हो? कंपनी, आरओसी, एंड अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएनडीजी के पास भी। इस एडीटी 3 में आप रीजन बताते हो कि आप क्यों रिजाइन कर रहे हो। सारे बच्चों को समझ में आ गया? एवरीबडी अंडरस्टूड? सिंपल, ओके। तो आओ मेरे साथ यहाँ पे एक चार्ट बनाओ, चलो देखते हैं आप लोगों को कितना आया। मुझे बताओ कैजुअल वैकेंसी अगर गवर्नमेंट कंपनी में आती है या कैजुअल वैकेंसी अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में आती है। अगर कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी में एनी रीजन की वजह से आती है, कोई भी रीजन, ऑडिटर की डेथ हो गई, ऑडिटर छोड़ के चला गया, तो कौन अपॉइंट करेगा? सीएनडीजी। कितने दिन में? कैजुअल वैकेंसी मतलब 3, तो 30 डेज में। सीएनडीजी नहीं अपॉइंट कर पाया तो बोर्ड अपॉइंट करेगी कितने दिन में? अगेन 30 डेज में। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी आई है तो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड, 30 डेज में। और जब बोर्ड अपॉइंट कर लेगा उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जनरल मीटिंग बुला के अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, सब कुछ 3। अच्छा मैडम, एनी अदर रीजन की वजह से कैजुअल वैकेंसी आई है, लेट्स से ऑडिटर की डेथ हो गई तो कैजुअल वैकेंसी आ गई, तो ऐसे केस में कौन अपॉइंट करेगा? ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? ऑडिटर को अपॉइंट करेगा बोर्ड इन 30 डेज। ओके मैडम, अगर ऑडिटर रिजाइन करके चला गया, अगर ऑडिटर रिजाइन करेगा तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिजाइन किया तो ऑफिस में क्या आया? कैजुअल वैकेंसी आ गया रिजाइन करने से। तो ऑडिटर एडीटी, फिर से देखो, ऑडिटर ने रिजाइन किया तो क्या आया? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी से वर्ड क्या याद आएगा? 3। तो एडीटी 3, 30 डेज में ऑडिटर किसके पास फाइल करता है? कंपनी, आरओसी, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएनडीजी। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, याद रहेगा। ओके समझ में आ गया? परफेक्ट। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, याद रखेंगे पेनल्टी को भी, ये इंपॉर्टेंट पेनल्टी है। अगर ऑडिटर एडीटी 3 फाइल नहीं करता 30 डेज में, अगर ऑडिटर एडीटी 3 को 30 डेज में फाइल नहीं करता तो ऑडिटर पे पेनल्टी है 50,000 रुपीज या फिर रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर, 50,000 रुपये या उसका रेम्यूनरेशन जो भी कम हो। कैन वी गिव टू एसोसिएट? मतलब नित्या, मतलब आप क्या बोल रहे हो? एसोसिएट को क्यों दोगे आप? ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो एडीटी 3 वो किसको देगा? जिस कंपनी से रिजाइन कर रहा है उस कंपनी को देगा,
उसके एसोसिएट कंपनी को क्यों देगा? या आपको उस कंपनी को देना पड़ेगा जिस कंपनी से आप रिजाइन कर रहे हो, आरओसी को देना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएनडीजी को देना पड़ेगा। यहां पे एसोसिएट का क्वेश्चन ही क्यों आया, मतलब नो लॉजिक बेटा। एडीटी 3 अगर आप टाइम पे फाइल नहीं करते हो तो पेनल्टी है 50,000 रुपए या फिर रेम्यूनरेशन, विच एवर इज लोअर। और इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है तो, अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू होता रहता है तो मिनिमम है 500 रुपीज पर डे और मैक्सिमम है 2,00,000 रुपए। इसके ऊपर ना अमेंडमेंट आया था आपके 2 अटेम्प्ट पहले, तो इस पेनल्टी को याद रखना, इंपॉर्टेंट पेनल्टी है। मेरे को बताओ अगर ऑडिटर एडीटी 3 टाइम पे फाइल नहीं करता तो 50,000 रुपीज और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो मिनिमम 500 रुपया पर दिन एंड मैक्सिमम कितना है बेटा 2,00,000 रुपए। याद रहेगा, सबको याद रहेगा, एवरीबडी एवरीबडी सबको याद रहेगा। कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में मिनिमम 500 रुपए पर डे और मैक्सिमम 2,00,000 रुपए, ठीक है। चलिए कंटिन्यूस डिफॉल्ट में 2,00,000 मैक्सिमम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। ओके चलिए, ओके ओके ओके। अब ये क्वेश्चन आता है, क्या रिटायरिंग ऑडिटर फिर से रीअपॉइंट हो सकता है क्या किसी जनरल मीटिंग में? ऑडिटर रिटायर हो रहा है, ऑडिटर के 5 साल पूरे हो गए, तो क्या रिटायरिंग ऑडिटर फिर से रीअपॉइंट हो सकता है? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, इधर आओ। देखो अगर आपकी कंपनी वो कंपनी है जिसके ऊपर रोटेशन लगता है तो अगर आपका इंडिविजुअल ऑडिटर 5 साल के लिए ऑडिट कर ले या आपकी फर्म 2 टर्म के लिए ऑडिट कर ले तो आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते। अगर आपकी कंपनी पे रोटेशन लगता है तो आप अपने रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट ही नहीं कर सकते वापस से। यहां पे किन कंपनीज की बात हो रही है? जिन कंपनीज पे रोटेशन नहीं लगता, जिन कंपनीज पे रोटेशन नहीं लगता है उन कंपनीज की बात हो रही है। जिन कंपनीज पे रोटेशन नहीं लगता क्या वो अपने रिटायरिंग ऑडिटर को फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या? आंसर बताओ मुझे, सारे बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे। किन कंपनीज की बात हो रही है? उन कंपनीज की बात हो रही है जिन पे रोटेशन नहीं लगता। तो जिन कंपनीज पे रोटेशन नहीं लगता है क्या वो अपने रिटायरिंग ऑडिटर को फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं क्या? आंसर है ये, आओ। हाँ, आप रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ होना चाहिए रीअपॉइंटमेंट से। मतलब अगर डिस्क्वालीफाई हो गया 141 सबसेक्शन 3 में, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते। और उसने कंपनी को अपनी अनविलिंगनेस ना दी हो कि मैं रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, मतलब मैं ऑडिटर हूँ रिटायरिंग, मैंने कंपनी को एक नोट लिख के दे दिया, रिटन नोटिस, यार मेरे को फिर से अपॉइंट मत करना, मैं नहीं अपॉइंट होना चाहता। तो अगर वो सामने से बोल रहा है, अपनी अनविलिंगनेस दिखा रहा है राइटिंग में, तो फिर आप उसको क्यों अपॉइंट करोगे? और कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ होना चाहिए एजीएम में रिगार्डिंग कि आप किसी दूसरे आदमी को अपॉइंट करना चाहते हो, या आपने एक्सप्रेसली कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं पास किया होना चाहिए कि हम रिटायरिंग ऑडिटर को नहीं अपॉइंट करना चाहते। तो अगर आपने ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया तो आप कैसे अपॉइंट करोगे रिटायरिंग ऑडिटर को? करेक्ट। आओ मुझे बताओ, रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट किया जा सकता है? किया जा सकता है, कब? प्रोवाइडेड वो नॉट डिस्क्वालीफाइड हो, प्रोवाइडेड उसने अपनी रिटन में कोई नोटिस ना दिया हो, नो रिटन नोटिस रिगार्डिंग हिज अनविलिंगनेस, अपनी अनविलिंगनेस दिखाने के लिए उसने कोई रिटन नोटिस ना दिया हो। और साथ साथ में तीसरी चीज क्या है बेटा जी? तीसरी चीज है कि कंपनी में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हुआ हो एजीएम में, किस चीज को लेकर? कि रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना है या किसी अदर ऑडिटर को अपॉइंट करना है अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, ऐसा कोई एसआर नहीं पास हुआ होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो डिस्क्वालीफाइड ना हो, उसने अपनी अनविलिंगनेस ना दिखाई हो और स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हुआ हो। ठीक है, ओके ओके चलिए। अगर कोई ऑडिटर जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं होता है तो फिर जो ऑडिटर रिटायरिंग होता है वही वापस से रीअपॉइंट हो जाता है, एग्जिस्टिंग ऑडिटर ही फिर ऑडिटर माना जाता है। अगर कोई भी नया अपॉइंट नहीं हुआ तो जो एग्जिस्टिंग है वही ऑडिटर माना जाएगा। आ जाओ, अब बात हुई। मैम वन क्वेश्चन है, जब भी हमें लिखना है कि ऑडिटर शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड एज पर 141 सबसेक्शन 3, ऐसा लिखें या सारी बातें
डिस्क्वालिफिकेशन की, बेटा सारी बातें क्यों लिखोगे? अगर सारी बातें लिखने लगे डिस्क्वालिफिकेशन की तो पेपर में पूरा टाइम में आंसर कैसे लिख कर आ पाओगे? जितनी पूछी है उतनी बातें लिखोगे, फालतू में ज्यादा बातें मत लिख कर आ जाना, पेपर खत्म नहीं होगा टाइम पे। देखो कोई भी नहीं चाहता कि आप फालतू में ऐसी बातें लिख कर आओ जो पूछी नहीं है। टू द पॉइंट आंसर लिखना, क्रिस्प आंसर लिखना। बीकॉम के एग्जाम में नहीं बैठे हो जो पूरा पूरा पन्ने भर के आओगे, जितना आंसर पूछा गया है उतना ही आंसर लिखकर आना। फालतू में जबरदस्ती कहानियां मत बनाना पेपर में। जो पेपर चेकर है वो भी यही चाहता है कि आप क्रिस्प आंसर लिख कर आओ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सारे बच्चे यहां ध्यान देंगे, अब हम बात किस पे कर रहे हैं? रोटेशन पे बात कर रहे हैं। चलिए, रोटेशन मतलब किन किन कंपनीज को, ऑडिटर्स को रोटेट करना पड़ता है। मतलब ये कंपनीज सालों साल एक ही ऑडिटर से ऑडिट नहीं करा सकते, आपको अपने ऑडिटर्स को रोटेट करना पड़ेगा। तो किन किन कंपनीज पे रोटेशन लगता है? लिस्टेड कंपनीज पे लगता है। मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे बच्चों, आपका 1 मिनट के लिए लैग आने वाला है, थोड़ा सा इंटरनेट का भी मेरे एंड में दिक्कत आई है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक देती हूँ। तब तक स्क्रीन स्क्रीन पे जो लिखा है आप उसे रिवाइज करें। 1 मिनट में आई विल बी बैक, लिटिल एरर आ रहा है उसको करेक्ट करके। तो 1 मिनट का लैग आएगा जब तक आप लोग रिवाइज करो। सो वी आर बैक बच्चों, वी आर बैक। एवरीबडी एम आई परफेक्टली विजिबल? यस, चलिए, ऑल राइट, सो वी आर परफेक्टली विजिबल, लेट्स गेट स्टार्टेड। रोटेशन किस पर एप्लीकेबल होता है? रोटेशन इज एप्लीकेबल ऑन विच विच कंपनीज? आओ बच्चे, सो सारे लिस्टेड कंपनीज पे रोटेशन अप्लाई होगा। मतलब सारे लिस्टेड कंपनीज को कुछ पीरियड बाद अपने ऑडिटर्स को बदलना पड़ेगा। और रोटेशन किस पर एप्लीकेबल होता है? सारे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पे जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। सारे प्राइवेट कंपनीज पे जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। और अगर किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इस लिमिट से कम है, बट अगर उनके पब्लिक से बोरोइंग, पब्लिक से डिपॉजिट जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है वो 50 करोड़ या ज्यादा है, तो आपके ऊपर भी रोटेशन लगता है। मैडम इसको याद कैसे करना है? इधर आओ, याद कराती हूँ। ये लिमिट कैसे याद रखनी है? इधर आओ। बहुत बार मैं ये ट्रिक आपके साथ शेयर करती हूँ। रोटेशन किस पे एप्लीकेबल होगा? रोटेशन लगेगा सारे लिस्टेड कंपनी पे। बेटा छोटे में आप सर्कस देखने जाया करते थे क्या? सर्कस देखने जाया करते थे? तो एक जोकर होता था, जोकर बार बार जोर जोर से रोटेट करता था। यहाँ पब्लिक खड़ी भी होती थी, पब्लिक ताली मारती थी, ठीक है? ओके, तो एक बार मुझे बताओ, जोकर एक बार जब जोर से रोटेट हुआ तो पब्लिक ने कितना पैसा पे किया? पब्लिक ने कितना पैसा पे किया? 10 रुपये पे किए। अच्छा, जोकर प्राइवेटली भी लोगों से आके पैसे मांग रहा था। तो जब प्राइवेटली पैसे मांग रहा था तो जोकर ने प्राइवेटली आके मांगे तो लोगों ने कितने पैसे पे किए? ₹50। तो ऑलरेडी अगर जोकर के पास पब्लिक से 10 रुपये, प्राइवेटली 50 रुपये आ गए तो जोकर को बोरो नहीं करना पड़ा। कितना पैसा? 50 रुपये बोरो नहीं करने पड़े, जरूरत थी उसको, बोरो नहीं करने पड़ेंगे। तो अब याद मुझे बता दो, रोटेशन किस पर एप्लीकेबल होगा? सारे के सारे लिस्टेड कंपनीज पे। सारे के सारे अनलिस्टेड कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगा जिनका पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल टू 10 CR और मोर हो। सारे प्राइवेट कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगा जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 CR और मोर हो। और जिन भी कंपनीज के पेड अप शेयर कैपिटल 10 या 50 से कम है, पर अगर उनके पब्लिक से बोरोइंग या पब्लिक से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है वो 50 CR और मोर है, तो उनके ऊपर रोटेशन लगेगा। सारे बच्चे समझ गए? तो मुझे याद रहेगा, आप याद रहेगा, पब्लिक ने कितना पैसा किया था? 10 रुपये, तो 10 करोड़। प्राइवेटली कितना लोगों ने पैसा दिया था? 50 रुपये, तो 50 करोड़ और मोर। और उसे कितना पैसा बोरो नहीं करना पड़ा? 50 रुपये, तो बोरोइंग्स इक्वल्स टू 50 CR और मोर, ठीक है? चलिए, याद रह जाएगा रोटेशन पूरा इससे।
एकदम झकास याद रह जाएगा, आ जाओ। तो ये बात है रोटेशन की। और क्या बोला गया है, और ये बोला गया है कि एक इंडिविजुअल ऑडिटर कितने टाइम के लिए अपॉइंट हो सकता है, 1 term of 5 years, उसके बाद कूलिंग पीरियड है 5 साल का, वो फिर 5 सालों के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता उस कंपनी में। एक फर्म अगर अपॉइंट होती है तो कितने टर्म के लिए अपॉइंट हो सकती है, 2 terms of 5 years, उसके बाद फर्म भी उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर पाएगी 5 years के लिए। कूलिंग पीरियड दोनों ही केस में 5 सालों का है। एक इंडिविजुअल 1 term के लिए अपॉइंट हो सकता है, फर्म 2 terms के लिए अपॉइंट हो सकती है, 5 5 years। रोटेशन 2 companies पे नहीं लगता, ओपीसी और स्मॉल, इरिस्पेक्टिव क्या टर्नओवर है, क्या पेड अप शेयर कैपिटल है, ओपीसी और स्मॉल कंपनी पे रोटेशन नहीं लगता। ओपीसी रोने लगी, स्मॉल कंपनी रोने लगी, कहेगी कहां से लाए हम नए नए ऑडिटर्स को पकड़ के, हम तो ओपीसी है, वहां एक आदमी का कंपनी, हम तो छोटू कंपनी है, कहां से ऑडिटर को रोटेट करेंगे। तो ओपीसी और स्मॉल कंपनी पे रोटेशन नहीं लगेगा, सिंपल। ओके, परफेक्ट। ठीक है, चलो, एवरीबडी एवरीबडी समझ में आ गया। ओके, उसके बाद आपको पता है कि इंडिविजुअल ऑडिटर अपॉइंट होगा 5 साल के लिए, फर्म ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे 2 term के लिए, 5 5 साल ईच। उसके बाद आपका कूलिंग पीरियड आ जाता है 5 साल का, कि आप 5 साल के लिए किसी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। और बोल रहा है कि अगर आपका 5 साल खत्म हो गया है और आप किसी दूसरे फर्म में भी पार्टनर हो, कॉमन पार्टनर हो, तो वो फर्म भी फिर ऑडिट नहीं कर सकती। मतलब सिंपल बात ये बोली है कि लेट से आपकी फर्म है एक्स वाई जेड, आप रिलायंस की ऑडिट कर रहे थे, 2 terms के आप 2 term के लिए आपने खत्म कर दी, तो कूलिंग पीरियड कितना आएगा, 5 years का कूलिंग पीरियड आ जाएगा। ठीक है, लेट से ये जो आदमी एक्स है, पार्टनर एक्स है, ये एक दूसरी फर्म में भी पार्टनर है, ए बी एक्स में भी पार्टनर है, तो ए बी एक्स भी रिलायंस की ऑडिट 5 years तक नहीं कर सकती। मतलब अगर एक पार्टनर जिसके 2 term खत्म हो गए हैं, आप जिस भी दूसरे फर्म्स में कॉमन पार्टनर्स हो, वो फर्म भी 5 years तक, कूलिंग पीरियड तक, किसी उस रिलायंस की कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकती। ठीक है, तो कॉमन पार्टनर अगर है, जिस पार्टनर का ऑलरेडी 2 term खत्म हो गया है, वो जिस भी फर्म में पार्टनर्स है, वो फर्म्स भी 5 सालों तक ऑडिट नहीं कर सकती। ठीक है, ओके। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जब सेक्शन आया, ये सेक्शन कब आया, ये सेक्शन 2014 में आया। कब आया ये सेक्शन, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, ये रोटेशन का सेक्शन कब आया, 2014 में आया। ठीक है, 2014 में रोटेशन का प्रोविजन आया, जब अचानक से कंपनीज को बोला गया रोटेट करो, आप अपने ऑडिटर्स को बदलो बदलो, तो कंपनीज बोलने लगी ऐसे कैसे बदले यार, ये पर्टिकुलर ऑडिटर्स हमारे कंपनी की ऑडिट पिछले इतने सालों से कर रहे हैं, नया ऑडिटर कहां से पकड़ के लाए, नए ऑडिटर को तुम्हारे कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो कंपनीज एक्ट ने थोड़ा टाइम दिया कंपनीज को कि ठीक है, अचानक से आप अपने ऑडिटर्स को नहीं बदल सकते, तो हम आपको टाइम देते हैं 3 years का, 3 years का ट्रांजिशन पीरियड देते हैं। 3 सालों बाद, मतलब 2017 के बाद जो पहला AGM आप करोगे, फर्स्ट AGM जो आप करोगे आफ्टर 3 years, इस डेट तक आपको इस सेक्शन को कंप्लाई करना पड़ेगा। ट्रांजिशन का ये प्रोविजन है। कंपनीज ने बोला कि यार हम एकदम से कैसे इस सेक्शन को कंप्लाई करें, तो कंपनीज एक्ट ने बोला ठीक है, हम तुम्हें टाइम देते हैं इस सेक्शन को कंप्लाई करने के लिए। 2014 में ये सेक्शन आया, तो कंपनीज को बोला गया ठीक है 3 सालों के लिए टाइम देते हैं, आप नया ऑडिटर लाइए, 3 सालों बाद जो पहला AGM आएगा, मतलब 2014 में तो ये सेक्शन ही आया, तो 3 साल बाद क्या हो गया, 2017, तो 2017 के बाद जो आप पहला AGM करोगे, मतलब सितंबर 2017, तो इस डेट तक आपको इस कंपनीज एक्ट के इस पर्टिकुलर रोटेशन के सेक्शन को कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, एवरीबॉडी समझ में आ गया। तो ये है आपका रोटेशन, सारे बच्चों को समझ में आ गया, मैंने आपको रोटेशन की सारी कथा यहां पे सुना दी है, सारे बच्चों को आई होप रोटेशन अच्छे से समझ में आ गया है। आ जाओ, अब हम बात करेंगे ऑडिट कमिटी के बारे में। सेक्शन 177 किस पर है, ऑडिट कमिटी पर है। ऑडिट कमेटी किसको कंस्टिट्यूट करनी पड़ती है, हर एक लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी ही बनानी पड़ेगी, और पब्लिक कंपनी को भी बनानी पड़ेगी। तुमको पता है, तुमको चलो मैं एक मेमोरी टेक्निक सुनाती हूँ। हर सोसाइटी में एक कमेटी होती है क्या, हर सोसाइटी में
जहां पे भी एरिया में आप रहते हो या सोसाइटी में रहते हो उसमें एक कमेटी होती है। हाँ, मेरी सोसाइटी में भी एक कमेटी थी, मुझे उस कमेटी का पार्ट बनना था। तो मैंने जाके सोसाइटी वाले लोगों से पूछा, यार कितना पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा सोसाइटी कमेटी का पार्ट बनने के लिए। मुझे पब्लिक ने क्या बोला, सोसाइटी की पब्लिक ने क्या बोला, 10 रुपये देने पड़ेंगे यार। मैंने कहा अरे वाह, इतना तो है मेरे पास। मैंने 10 रुपये देके मैं टर्न होके जाने लगी, 10 रुपये देके मैं टर्न होके जाने लगी। तो जैसे ही मैं टर्न हुई, उन्होंने बोला ये मैडम महंगाई का जमाना है, किधर जा रही हो, 100 रुपया लगेगा, 10 रुपया नहीं। आई वाज लाइक व्हाट, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो मेरा नेबर वहां से जा रहा था तो मैंने उससे बोरो कर लिया, कितना, 50 रुपया। तो आओ मुझे बताओ, ऑडिट कमेटी किस किस को कंस्टिट्यूट करना पड़ता है? हर एक लिस्टेड कंपनी को करना पड़ेगा और उन पब्लिक कंपनीज को करना पड़ेगा। किन पब्लिक कंपनीज को? जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या मोर है, 10 करोड़ या मोर है, या फिर जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या मोर है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या मोर है, यस, और जिनके आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग्स या डिबेंचर्स, लोन्स बोरोइंग्स डिबेंचर्स एक्सीडिंग 50 CR है, मतलब जिनके आउटस्टैंडिंग लोन या आउटस्टैंडिंग बोरोइंग या डिपॉजिट जो आपने लोगों से एक्सेप्ट कर रखा है वो 50 करोड़ से ज्यादा है, एक्सीड करता है, इक्वल टू नहीं बोला है यहाँ पे, 50 करोड़ को इक्वल टू नहीं बोला, एक्सीडिंग 50 करोड़ बोला है। तो सारे बच्चों को याद रहेगा, मुझे बताओ मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि किन कंपनीज को ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ती है अंडर सेक्शन 177, किन को करनी पड़ती है, सारे लिस्टेड कंपनीज को करनी पड़ती है, ठीक है। और ऑडिट कमेटी किसको कंस्टिट्यूट करनी पड़ती है, मैंने बोला ना, पब्लिक ने क्या बोला मेरे को, पब्लिक ने बोला दीपिका कमेटी का पार्ट बन सकते हो, पे करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना, 10 रुपया। मैं वहां से टर्न होके जाने लगी, 10 रुपया देके, उन्होंने बोला 100 करोड़ देना, 100 रुपया देना पड़ेगा। तो मैंने अपने नेबर से कितना पैसा बोरो किया, 50 रुपये। तो मुझे बताओ, हर पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल 20 CR और मोर हो, उनका टर्नओवर इक्वल टू 100 करोड़ और मोर हो, या उनके बोरोइंग्स एक्सीड करते हो 50 CR से, बोरोइंग्स फ्रॉम लोन या डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स एक्सेट्रा एक्सीडिंग 50 CR, नॉट इक्वल टू। सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, सबको समझ आ गया। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, प्राइवेट कंपनी पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट कमेटी को कंस्टिट्यूट करने की, प्राइवेट कंपनी पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट कमेटी को कंस्टिट्यूट करने की, ओनली एंड ओनली लिस्टेड कंपनीज एंड अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ठीक है, ओके ओके। ऑडिट कमेटी, सबसे पहले यहां पे देख लो ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है। अगर ऑडिट कमेटी का काम है और किस ऑडिटर को अपॉइंट करना है, उसका रिकमेंडेशन देना, उसके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट या रेम्यूनरेशन का रिकमेंडेशन देना, ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है कि नहीं उसे मॉनिटर करना, ऑडिट अच्छे से हो रही है कि नहीं उसे देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करना, ये काम होता है ऑडिट कमेटी का। मतलब अगर एक कंपनी में नया ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है और उस कंपनी में अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी का ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी कि इस फलाने ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं, उसको इतना रेम्यूनरेशन पे कर देते हैं, उसके ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करना, ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है कि नहीं ये देखना, ऑडिट ठीक से हो रही है कि नहीं ये देखना, ये सारा काम ऑडिट कमेटी का होता है, ठीक है, ओके। चलिए, सारा काम किसका होता है बेटा जी, ऑडिट कमेटी का सारा काम होता है, समझ गए? हाँ जी मैडम, ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए। मतलब अगर 3 डायरेक्टर्स हैं मिनिमम, तो 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। चलिए, ऑल राइट। अब ये कहता है अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, ऑडिटर का एक्सपीरियंस कौन चेक करेगा? ऑडिट कमेटी। और ऑडिट कमेटी ये देखेगी अगर ऑडिटर के अगेंस्ट कोई केसेस वगैरह पेंडिंग है, तो ऑडिट कमेटी ही चेक करेगी कि ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड है ना, डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है ना,
उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसके क्वालिफिकेशन कितना है, कौन चेक करेगा? ऑडिट कमेटी। अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी ये सारी चीज़ें चेक करती है। ऑडिट कमेटी ही देखती है कि इस पर्टिकुलर ऑडिटर के अगेंस्ट कोई पेंडिंग केसेस चल रहे हैं क्या, ICI या कोर्ट द्वारा कोई केसेस पेंडिंग है क्या। कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए ऑडिटर से तो कौन मांगता है? ऑडिट कमेटी मांग लेती है। और कमेटी को अगर एक ऑडिटर अच्छा लग गया कि हाँ ये हमारी कंपनी के हिसाब से ये ऑडिटर एक्सपीरियंस्ड है, क्वालिफाइड है, बढ़िया ऑडिटर है, तो कमेटी आगे किसको रेकमेंड करेगी? बोर्ड को। और बोर्ड को भी अगर रिकमेंडेशन ठीक लगता है तो बोर्ड AGM में शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे? रेकमेंड करेंगे और शेयर होल्डर्स AGM में ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। आपको याद है सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अगर एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? AGM में ही अपॉइंट होता है ना, मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। तो क्या प्रोसेस है? ऑडिट कमिटी सारी चीजें चेक करके, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसके अगेंस्ट कोई केसेस वगैरह तो नहीं है, सारी चीजें चेक करके ऑडिट कमेटी किसको रेकमेंड करती है? बोर्ड को। बोर्ड को अगर ठीक लगता है तो बोर्ड आगे किसको रेकमेंड करते हैं? किसको करते हैं? मेंबर्स को AGM में। अच्छा मैडम, अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी है ही नहीं तो ये सारा काम बोर्ड करेगी। बोर्ड ही एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन चेक करेगी, बोर्ड ही देखेगी कि उसके अगेंस्ट कोई केसेस वगैरह पेंडिंग है क्या, और बोर्ड ही आगे मेंबर्स को AGM में रेकमेंड कर देगी अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया? बच्चों सबको समझ में आ गया? ये लॉ की क्लास है प्रियांशु, ये चैप्टर लॉ और ऑडिट में कॉमन है बेटा, तो ये बेसिकली दोनों सब्जेक्ट की क्लास हो गई, ऑडिट की भी हो गई और लॉ की भी हो गई, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चैप्टर दोनों ही सब्जेक्ट्स में आपका कॉमन है, 100% कॉमन। आओ तो देखो, अब मैंने ना आपका चार्ट द्वारा, आपके बुक में ना बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, उसको पढ़ने में मजे नहीं आते, तो मैंने ये सारी चीज है ना प्रोसेस चार्ट में बना लिया है। अब मैं आपको चार्ट द्वारा एक्सप्लेन करती हूँ। इधर आओ, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगी ऑडिटर को किसको? ऑडिट कमेटी ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, उसके अगेंस्ट कोई केसेस तो पेंडिंग नहीं है ना, सारी चीजें चेक करके ऑडिट कमेटी किसको रेकमेंड करेगी? बोर्ड को। बोर्ड अगर अग्री करती है, बोर्ड बोलती है कि यार ऑडिटर तो एकदम भला चंगा बढ़िया है, अगर बोर्ड अग्री करती है तो बोर्ड आगे रिकमेंडेशन किसको भेजेगी? बोर्ड आगे फॉरवर्ड करेगी रिकमेंडेशन मेंबर्स को, और मेंबर्स AGM में अपॉइंट कर देंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है बोर्ड डिसएग्री कर जाए, बोर्ड को ऑडिट कमेटी का दिया हुआ रिकमेंडेशन हो सकता है समझ में ना आए, तो ऐसे केस में बोर्ड अगर डिसएग्री करती है तो बोर्ड रेफर बैक कर देगी रिकमेंडेशन को किसको? ऑडिट कमेटी को, रीजन बताकर। मतलब ऑडिट कमेटी ने बोर्ड को कोई रिकमेंडेशन दिया, बोर्ड को समझ में नहीं आया, बोर्ड डिसएग्री कर रही है, तो बोर्ड रेफर बैक कर देगी रिकमेंडेशन, वापस भेज देगी रिकमेंडेशन को किसको? ऑडिट कमेटी को, और अपने डिसएग्रीमेंट के रीजन बताएगी कि हम क्यों डिसएग्री करते हैं आपसे। ऑडिट कमेटी क्या करेगी? बोर्ड के दिए हुए रीजंस को पढ़ेगी, कंसिडर करेगी। अगर उसके बाद अगर ऑडिट कमेटी डिसाइड करती है कि ठीक है बोर्ड जो बोल रही है ठीक है, तो ऑडिट कमेटी अपना ओरिजिनल रिकमेंडेशन कंसिडर नहीं करेगी। ऐसे केस में बोर्ड ही क्या कर सकती है? बोर्ड अपना रिकमेंडेशन भेज सकती है किसको? मेंबर्स को AGM में अपॉइंट करने के लिए। समझा? थैंक यू काजल, थैंक यू बेटा जी, सच मैसेजेस दे मेक माय डे। तो मैंने क्या बोला, ऑडिट कमेटी किसको रिकमेंड करती है? बोर्ड को। बोर्ड अग्री कर जाएगी तो मेंबर्स को बोल देगी और मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे। बोर्ड अगर डिसएग्री करेगी तो बोर्ड अपना रीजन बताएगी डिसएग्रीमेंट का और रेफर बैक कर देगी रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी बोर्ड का दिया हुआ रीजन पढ़ेगी, अगर रीजन पढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि हाँ बोर्ड सही बोल रही है, नॉट टू रिकंसिडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन, तो बोर्ड आगे अपना ही रिकमेंडेशन मेंबर्स को भेज देंगे और मेंबर्स AGM में अपॉइंट कर देंगे। तो ये प्रोसेस होता है जिस तरीके से ऑडिट कमेटी काम करती है। आपकी बुक में बहुत ही बड़ा 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 करके पैराग्राफ्स में दिया हुआ है, विच इज़ वेरी सिंपल, और मैंने उनके इंपॉर्टेंट सारे चीज़ों को चार्ट में डाल दिया। तो जो भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है वो 5 सालों के लिए अपॉइंट होता है, ही शैल होल्ड द ऑफिस टिल 6th AGM, और हर 6th मीटिंग में ही ऑडिटर इसी तरीके से अपॉइंट होता है। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया?
ऋषभ मैम आपने अच्छा नहीं किया, May 23 वाले स्टूडेंट को PDF दी है पेनल्टी की। हाँ बेटा तुमको भी दी है मैंने, ए नवंबर वालों तुम लोगों को भी हर पूरे सारे चैप्टर्स की पेनल्टी एक शीट में कॉम्प्रोमाइज करके कंप्राइज करके मैंने आप लोगों को भी दिया है। ऐसा मत बोलो यार, है तुम लोगों के लिए ही मैं काम करती हूँ। एक बात बताओ, तुम लोगों तक अगर कॉन्टेंट नहीं पहुँचेगा तो उस कॉन्टेंट का मतलब क्या हुआ? तो तुम लोगों के लिए ही मैंने क्या किया है, लॉ के जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स की सारी, हर चैप्टर की जितनी भी पेनल्टीज है उसको एक PDF में डाल दिया है और मैंने शेयर किया है क्लास में, प्लस क्लास में शेयर किया है वो। चल आ जा। अब बेटा जी टाइम कम है, फटाफट आगे बढ़ेंगे। ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? कहता है अगर फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ने अपॉइंट किया है तो बोर्ड ही रेम्यूनरेशन फिक्स करेगी। अगर पहला ऑडिटर बोर्ड द्वारा अपॉइंटेड है, आपने पढ़ा था ना नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, फर्स्ट ऑडिटर FA मतलब फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड 30 डेज में करती है। अगर बोर्ड नहीं करती तो फिर कौन करता है, मेंबर्स 90 डेज में करते हैं। वैसे ही आपने सब्सिक्वेंट ऑडिटर पढ़ा था, सब्सिक्वेंट ऑडिटर AGM में अपॉइंट होता है मेंबर्स द्वारा। तो कहता है कौन रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा, तो कहता है अगर पहला ऑडिटर बोर्ड द्वारा अपॉइंटेड है तो बोर्ड ही रेम्यूनरेशन को फिक्स करेगा। अगर पहला ऑडिटर बोर्ड द्वारा अपॉइंटेड है तो बोर्ड ही रेम्यूनरेशन को फिक्स करेगा। और कहता है अदरवाइज क्या होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर वैसे भी AGM में अपॉइंट होता है तो रेम्यूनरेशन भी जनरल मीटिंग में ही डिसाइड होगा या फिर एज सच द बोर्ड में डिटरमाइन, अगर बोर्ड कोई और तरीका खोज रही है तो वो। तो मैंने बोला कौन रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा, अगर पहला ऑडिटर बोर्ड द्वारा अपॉइंटेड है तो बोर्ड ही रेम्यूनरेशन को फिक्स करेगी, अदरवाइज रेम्यूनरेशन जनरल मीटिंग में फिक्स होगा या फिर इन सच मैनर एज में बी डिटरमाइंड। ठीक है, ओके ठीक है, वेरी वेरी गुड, सबको समझ में आ गया कौन रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा, सेक्शन 142, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, अगर आप ऑडिटर को रिमूव कर दें बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, मतलब मेरे, मैंने अपॉइंट किया किसको, मैंने लेट से जसकरण को अपॉइंट किया एज एन ऑडिटर, मेरे कंपनी का ऑडिटर कौन है, जसकरण, पर जसकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है, मुझे उसे हटाना है, रिमूव करना है ऑफिस से, तो कैसे रिमूव करूं? सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि जसकरण को हटा देते हैं, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर देगी, बोर्ड मीटिंग आप करोगे और रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दोगे कि जसकरण को हटा देते हैं। उसके 30 डेज में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करूंगी इन ADT 2, ADT 2 में मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करूंगी 30 दिनों के अंदर अंदर, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 30 डेज में मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा इन ADT 2। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाती है तो 60 डेज में मैं एक स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करके ऑडिटर को हटा दूंगी। सबको समझ में आया? चलो, मैंने क्या बोला, ऑडिटर को अगर रिमूव करना है, इधर आओ सारे बच्चे, मुझे ऑडिटर को रिमूव करना है तो पहले मैं एक बोर्ड मीटिंग करूंगी, बोर्ड वाले लोग सारे मीटिंग करेंगे और बोर्ड मीटिंग में आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 30 डेज में ADT 2 में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मिलने के 60 डेज में आप एक जनरल मीटिंग होल्ड करेंगे, वहां पे SR स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। समझ में आया? ये प्रोसेस है, तो ये आपकी स्क्रीन के सामने प्रोसेस यहां लिखा है। ओए देख लो, मैंने चार्ट मैनर में डाल दिया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए पढ़ने में। सारे बच्चों ने पढ़ लिया? बच्चों समझ गए, पढ़ लिया? वेरी गुड। ओए ये जवाब दे दो यार बच्चों, यार मैडम पूछ रही तुमसे, आगे बढ़े? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इस पार्ट पे सबसे पहले आ जाए, सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑडिट। एक ऑडिटर साल में कितने कंपनीज की ऑडिट कर लेता है? 20 कंपनीज की। मैडम 20 से ज्यादा कंपनी की एक ऑडिटर ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। आप एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में
एक ऑडिटर सिर्फ एक ही कंपनी की ऑडिट कर सॉरी सिर्फ 20 ही कंपनीज की ऑडिट कर सकता है। इस 20 कंपनीज की लिमिट में वन पर्सन, डोरमैट, स्मॉल कंपनी या वो प्राइवेट कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम का है वो नहीं इंक्लूड होते। स्मॉल कंपनी या डोरमैट कंपनीज या वो प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम का है वो 20 कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। अच्छा, एक आदमी, एक ऑडिटर एक साल में कितने कंपनीज की ऑडिट कर सकता है? 20। तो 20 की लिमिट पर पर्सन है। पर पर्सन कितनी लिमिट है? 20 की। तो मैं एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताना, अगर एक फर्म में तीन पार्टनर है, ए, बी और एक्स, तीनों सीए, तो ये सीए फर्म कितने कंपनीज की ऑडिट एक्सेप्ट कर सकती है बताओ मुझे? अगर एक फर्म में तीन पार्टनर्स हैं मान लो, तो ये सीए फर्म कितने कंपनीज की ऑडिट एक्सेप्ट कर सकती है? मैंने बोला 20 की लिमिट पर पर्सन है, तो ए 20 कर लेगा, ये भी 20 कर लेगा और ये भी 20 कर लेगा, हो गया 60 कंपनीज की। इस 20 लिमिट में कौन से कंपनीज काउंट नहीं होते हैं? स्मॉल, ओपीसी, डोरमैट और प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल किससे कम हो, 100 करोड़ से कम हो, वो इस लिमिट में काउंट नहीं होते 20 की लिमिट में। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो मतलब जितना मर्जी चाहो इतने कंपनीज की आप ऑडिट कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है बेटा जी। तो आज हमने चैप्टर नंबर 10 के बहुत सारे चीज़ों को किया, लेकिन अभी भी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें अभी कॉस्ट ऑडिट बाकी है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर बाकी है, ड्यूटीज, पावर्स, ब्रांच ऑडिट का पॉइंट बाकी है। तो मैं भगाना नहीं चाहती, देखो मैं चाहती थी तो इस चैप्टर को भगा के रिवाइज करवा सकती थी, लेकिन मैं भागना नहीं चाहती। और प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं आपको बहुत फास्ट पढ़ाऊंगी ना तो आपकी रिविजन उतनी अच्छी से नहीं होगी जितनी थोड़ी स्लो रिविजन में बेटर होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल फिर से इसी चैप्टर को लेते हैं और उसका पार्ट टू करते हैं कल, ठीक है? पार्ट टू करते हैं, कल कंपनी ऑडिट ही करेंगे और कल की क्लास में हम कॉस्ट ऑडिट करेंगे, ड्यूटीज, पावर्स, ब्रांच और ये वाला पॉइंट खत्म करेंगे, बेसिकली इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, कारो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है प्रथमेश, कारो मैंने ऑलरेडी आपका पढ़ा दिया है। तो जब भी अगर आपको किसी को भी कारो में डाउट है तो आप बस यूट्यूब पे कारो दीपिका राठी लिख सकते हो, अनअकैडमी के चैनल पे, इसी चैनल पे मैंने कारो ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो किसी को भी कारो अगर रिवाइज करना है या कारो में दिक्कत आती है तो आप बस सीए इंटर, ये जो अनअकैडमी का चैनल है, इस पे सर्च कर लेना दीपिका राठी कारो, तो आपको कारो का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, कारो डिटेल्ड में मैंने पढ़ाया हुआ है। और कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑडिट करेंगे, कल की क्लास में ब्रांच ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ ऑडिटर, ये कवर करने वाले हैं। तो कल इसी चैप्टर का पार्ट टू करते हैं, ठीक है? देखो भागने से कोई मतलब नहीं है, मुझे बताओ, टैक्स ऑडिट की लिमिट होती है 60, जस्ट करन यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, टैक्स ऑडिट असाइनमेंट की लिमिट है 60। तो कल की क्लास में अपने क्या करेंगे बेटा जी, कल की क्लास में हम करेंगे कॉस्ट ऑडिट और करेंगे ब्रांच ऑडिट और करेंगे ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है? अच्छा कल क्लास नहीं है, सॉरी, मेरी तरफ से एरर हो गया, कल क्लास नहीं है बेटा, क्योंकि कल दिवाली है, तो दिवाली के अगले दिन, परसों ही हो गया ना, हाँ दिवाली है कल, ओके यस, कल दिवाली है, तो कल मेरी क्लास नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिवाली, बट दिवाली के अगले दिन अपने इसी चैप्टर को क्या करेंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ, क्या बात बताना चाहती हूँ मैं, कि आज है ये ना, तो 29, 30, 31 इन तीन दिनों में मैं आपके भर भर के MCQ टेस्ट लेने वाली हूँ। तो इन तीन दिनों में आप लोग मेरे साथ ऑडिट के, हर दिन हम एक एक घंटा का ऑडिट का टेस्ट लेंगे, जिसमें हम सिर्फ MCQ और ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन हम फिर ट्रू फॉल्स करेंगे, एक दिन हम सिर्फ MCQs करेंगे, एक दिन मैं आप लोगों को थोड़ा पेपर लिखने का पैटर्न दिखाऊंगी, ठीक है? तो 29, 30, 31 को मैं आपको बता दूंगी किन किन कैसे कैसे हम MCQ ट्रू फॉल्स टेस्ट लेंगे, ठीक है? चलिए, ऑल राइट।
तो कल फिर से याद दिला रही हूँ आपको, कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल दिवाली है इसलिए। और दिवाली के अगले वाले दिन हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसका रिमेनिंग वाला पोर्शन स्टडी करेंगे, ठीक है? ऑल राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिवाली के ऊपर एक बहुत बड़ा गिव अवे चल रहा है। आप अनअकैडमी पे 25% ऑफ अवेल कर सकते हो अपने सब्सक्रिप्शन पे, एंड बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। तो आप 25% ऑफ अवेल कर सकते हैं, आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए। बट बेटा जी, अनअकैडमी पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं, प्लस और आइकॉनिक, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान वगैरह दिया जाता है, आपको प्रिंटेड बुक्स प्रोवाइड की जाती है। वैसे ही आप लोग प्लस भी ले सकते हो, पढ़ाने का तरीका सेम है, और स्पेशल क्लासेस भी बहुत फायदेमंद होती है, फ्री क्लासेस हैं। अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए बेटा मेरा कोड है सीए दीपिका। देखो, दीपिका मेरा नाम है ना, और सीए मैं हूँ, तो मेरा कोड है सीए दीपिका। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं तो मेरे लिए एक एक्नॉलेजमेंट है कि आपको मेरे क्लासेस अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको मेरे क्लास अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आप अनअकैडमी पे आकर मेरे से ऑडिट और लॉ पढ़ना चाहते हो और पूरी टीम से ग्रुप वन ग्रुप टू की तैयारी करना चाहते हो, तो आप सीए दीपिका कोड को यूज़ करके अनअकैडमी पे आ सकते हो। ऑल राइट बेटा जी, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया आज की क्लास को कंडक्ट करके, बट कुछ जो पोर्शन हमारा बाकी है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? कॉस्ट ऑडिट का और ब्रांच ऑडिट का और ड्यूटीज का, और साथ ही साथ अगर आपको कारो रिवाइज करना है तो आप कारो रिवाइज कर सकते हो। और एक और बात बता रही हूँ, सारे बच्चे सुनिए सुनिए, बैंक ऑडिट है ना, कल मेरी क्लास प्रीमियर हो रही है 10 बजे, मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, 10 बजे क्लास प्रीमियर हो रही है, जहां बैंक ऑडिट का इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बैंक ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल 10 बजे की प्रीमियर क्लास है, लाइव क्लास नहीं है मेरी। कल कल 10 बजे की प्रीमियर क्लास में बैंक ऑडिट का सारे इंपॉर्टेंट पार्ट करवाए जाएंगे, जैसे नॉन एनपीए वाला पार्ट, एडवांसेस वाला पार्ट, ये सारा कल की क्लास में 10 बजे करवाया जाएगा। तो तुम्हारे लिए छुट्टी नहीं है, तुम 10 बजे आ जाना और बैंक ऑडिट आराम से पढ़ना, ठीक है? ओके, चलिए। ऑल राइट ऑल राइट। नहीं पारस, नहीं कल नहीं है, कल बैंक ऑडिट आपके लिए प्रीमियर है, ठीक है बच्चों? अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस क्लास को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सीए दीपिका कोड को यूज करना। बाकी टाइम बहुत वेस्ट करना, मुझे पता है फेस्टिवल का टाइम है, पर एक एक दिन एक एक घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिवाली हर साल आएगी, अटेम्प्ट हर साल नहीं लाना है हमें, अटेम्प्ट इसी साल में खत्म कर देना है, तो इसलिए पढ़ो अच्छे से, टाइम मत वेस्ट करना। ओके, थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड गुड लक टू यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।